हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि आपको जनवरी 21 में देखने को मिल जाएंगे। और गाइस, इस सीरीज में काफ़ी सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स भी होंगे जिसमें आपको टॉप नॉच की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग की ओर से आने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में। इसमें आपको चार स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला होने वाला है गैलेक्सी A52 5G। सो गाइस, इसमें आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है वो काफ़ी बेटर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप एक गेमिंग लवर हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेटर रहने वाला है। और गाइस, क्योंकि ये एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। इसमें आपको 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और गाइस, क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा। और गाइस, ये स्मार्टफोन आपको अंडर 25,000 देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अब बात करें सेकेंड स्मार्टफोन की, तो वो होने वाला है गैलेक्सी S21। और गाइस, ये एक फ्लैगशिप सीरीज रहने वाली है। यहाँ पर आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, सैमसंग गैलेक्सी S21, S21 प्लस एंड S21 अल्ट्रा। तो गाइस, ये तीनों स्मार्टफोन पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि होने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का। ये मोस्ट पावरफुल चिपसेट है और मोस्ट एक्सपेंसिव भी। सो गाइस, ये स्मार्टफोन आपको अदर कंट्रीज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के चिपसेट के साथ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर रन करता है, इसीलिए मोस्ट पावरफुल चिपसेट रहने वाला है। लेकिन गाइस, इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन आपको एक्सिनोस के साथ ही देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा 2100 का चिपसेट। और गाइस, बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो ये स्मार्टफोन आपको 65,000 से लेकर 1 लाख तक देखने को मिल सकता है। और गाइस, इसी के साथ बात करें वन प्लस के स्मार्टफोन्स की, तो यहाँ पर भी आपको वन प्लस की एक लेटेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, जो कि होने वाली है वन प्लस 9 सीरीज। ये भी एक फ्लैगशिप सीरीज रहने वाली है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको सैमसंग के S21 में देखने को मिल रहा था। सो गाइस, ये भी एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको 6.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि ग्लास बैक के साथ आने वाली है। क्वाड कैमरा सेटअप 64 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिल जाएगा, जिसमें 65 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP रेटिंग भी देखने को मिल जाए। तो गाइस, इसी के साथ हम बात करें रियलमी के स्मार्टफोन्स की। यहाँ पर रियलमी और शाओमी भी पीछे नहीं रहने वाली है। रियलमी की ओर से आपको रियलमी 7 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का चिपसेट देखने को मिल जाता है। 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर रन करने वाला है और 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा। IPS LCD डिस्प्ले रहने वाली है, लेकिन गाइस, यहाँ पर जो आपको हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, उससे ये डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ रहने वाली है। क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होने वाला है। 16 मेगापिक्सल के पंच होल कटआउट के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, जो कि 30 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आने वाली है। तो गाइज, ये स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 देखने को मिल जाएगा। अब बात करें रियलमी की एक और सीरीज़ को लेकर, तो गाइज, रियलमी यहाँ पर रियलमी X7 सीरीज़ को लॉन्च करने वाला है जनवरी 2021 में। तो गाइज, ये स्मार्टफोन सीरीज़ होने वाली है रियलमी X3 सीरीज़ की अपग्रेड वर्जन। यहाँ पर आपको 2 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, रियलमी X7 एंड X7 प्रो। तो गाइज, जो इसका प्रो वर्जन है वो आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, रियलमी X7 प्रो में आपको 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली है। 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी इसमें देखने को मिल जाएगा। सिंगल पंच होल कटआउट के साथ आने वाली है। बात करें रियलमी X7 की, तो यहाँ पर 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन गाइज, जो इसका रिफ्रेश रेट है वो आपको 60Hz ही देखने को मिल जाएगा। 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट। और बात करें इसकी परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर को लेकर, तो मीडियाटेक का प्रोसेसर इनमें आपको देखने को मिल जाएगा। रियलमी X7 800U के साथ आने वाला है, लेकिन गाइज, रियलमी X7 प्रो में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ का चिपसेट देखने को
मिल जाएगा जो कि काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस के साथ आने वाले हैं। और गाइज अंडर 20,000 आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइज जो इसका प्रो वर्जन है वो आपको अंडर 25,000 के देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज जो इसका मेन हाईलाइट है वो है इसके कैमरा फीचर्स को लेकर। क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है दोनों स्मार्टफोन में। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होने वाला है, लेकिन गाइज जो इसका सेंसर है वो यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। रियलमी X7 में जो आपको सेंसर देखने को मिलेगा वो होने वाला है सैमसंग की ओर से, लेकिन गाइज जो X7 Pro होगा उसमें आपको सोनी IMX686 का सेंसर देखने को मिल जाएगा। 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ दोनों स्मार्टफोन आने वाले हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर Xiaomi भी पीछे नहीं रहने वाला है। Xiaomi की ओर से आपको Redmi Note 10 सीरीज देखने को मिल जाएगी। सीरीज में आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। जो इसका नॉर्मल वर्जन होने वाला है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ, जो कि एक 5G सपोर्टेड चिपसेट के साथ आने वाला है। यहाँ पर भी आपको MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है 48 मेगापिक्सल के साथ, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी। ये स्मार्टफोन आपको अंडर 15,000 के देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइज इसी का जो प्रो वेरिएंट होने वाला है उसमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 और सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आने वाला है। स्नैपड्रैगन 750G का इसमें 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज जो इसका मेन हाईलाइट फीचर है वो है इसके कैमरा सेटअप को लेकर। पर आपको सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होने वाला है, और गाइज 16 मेगापिक्सल का एक पंच होल सेल्फी कैमरा इसमें भी देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 देखने को मिल जाएगा। सो गाइज इसी के साथ बात करते हैं ओप्पो के स्मार्टफोन्स को लेकर। ओप्पो भी यहाँ पर पीछे नहीं रहने वाला है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेटर स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला स्मार्टफोन होने वाला है जो ओप्पो यहाँ पर लॉन्च करेगा 2021 में। तो गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओप्पो रेनो 5 सीरीज। ये एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है जो कि आपको 5G के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, ओप्पो रेनो 5 एंड 5 प्रो। तो गाइज इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको डिस्प्ले काफी सेम देखने को मिल जाएगी। ओप्पो रेनो 5 6.43 एंड ओप्पो रेनो 5 प्रो में आपको 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। जिन दोनों स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइज ओप्पो रेनो 5 में आपको फ्लैट स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जहां पर अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 5 प्रो की तो वहां पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ बात करें इसके कैमरा फीचर्स को लेकर, तो 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है, जहां पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी टॉप नॉच की देखने को मिलने वाली है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का एक 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको सेम देखने को मिला था OnePlus Nord और Vivo V20 Pro में। लेकिन गाइज जो इसका प्रो वेरियंट होने वाला है उसमें आपको MediaTek Dimensity 1000 Plus का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ओप्पो अपनी एक और सीरीज को लॉन्च करने वाला है जो कि होगी Find X3 सीरीज, और यहाँ पर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको मिलने वाला है Find X3 एंड Find X3 Pro। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के चिपसेट के साथ आने वाला है, और इसमें आपको 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जिसमें 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट और 3K रेजोल्यूशन भी देखने को मिलने वाला है। कर्व डिस्प्ले रहने वाली है, लेकिन गाइज जो इसकी कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 का एक सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 65 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर के साथ आने वाला है। तो गाइज आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सा स्मार्टफोन आप बाय करना पसंद करें।